मैं तारिक खान अब्दुल्ला खान दुर्रानी प्रभाग क्रमांक 9 से उम्मीदवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। उसी तरह मेरे साथ ही रिंकू पाटिल और नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार मीना नितेश भोरे। मैं सबसे पहले आमदार बाबा जानी खान साहब दुर्रानी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझको इस वर्ष के नगर पालिका चुनाव में कैंडिडेट के तौर पर डिक्लेयर किया। उसी तरह मेरे साथ इस बार आमदार साहब ने 14 नए चेहरों को इस नगर पालिका चुनाव में अपनी पार्टी की तरफ से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी दी है। पिछले 30 सालों से पादरी की नगर पालिका ये एक विकास के मार्ग पर, विकास के राह पर चल रही है। हर क्षेत्र में नगर पालिका ने विकास किया है, चाहे सामाजिक हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सफाई हो, और इसी के साथ साथ हिंदू मुस्लिम भाईचारा, एकता, ये इस बात का प्रतीक है, ये इस पादरी की ताकत है कि पादरी एक तरक्की की राह पर चल रहा है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि पादरी इसी तरह तरक्की की राह पर चलता रहेगा। गुज़िश्ता 5 सालों में अगर हम देखें तो न सिर्फ रोड, नाली और रास्ते, बल्कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पादरी ने काफ़ी तरक्की की है। पिछले 5 साल में हम सब के लाड़ के नेता आमदार बाबा जानी साहब दुर्रानी ने कई शादी खानों का निर्माण किया, कई सभा मंडप का निर्माण किया, जिसमें आज शादी इत्यादि प्रोग्राम्स होते हैं, जो हर समाज के लिए, हर तबके के लिए, हर वर्ग के लिए, शहर के हर निवासी के लिए एक बड़ी ही अच्छी और ये बड़ी ही अमूल्य चीज़ जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पादरी में पिछले 5 साल में बनाई है। मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ कि आने वाले 27 नवंबर को घड़ी के सामने का बटन दबाकर आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी उम्मीदवारों को ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से कामयाब करें। इसी के साथ मैं अपने दो लफ्ज़ ख़त्म करता हूँ। जय हिंद। नमस्कार। मंगल राजेश पाटिल, प्रभाग 9 मधून निवडणूक लढवीत आहे। माननीय आमदार साहेब बाबाजानी दुर्रानी, राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे जनतेची सेवा करण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो आणि सर्व मतदार बंधू भगिनींना विनंती करतो की येत्या 27 नोव्हेंबर रोजी आपण राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या घड्याळ या निशाणीसमोरील बटन दाबून राष्ट्रवादीच्या सर्व उमेदवाराला प्रचंड मताने विजयी करा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्र।